नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है चैनल टेक मस्ती। साल 2019 अपना आधा वक्त निकाल चुका है। जून से पहले अजय देवगन, रणवीर सिंह, सलमान खान की कई ऐसी फिल्में रिलीज हुई जिन्होंने सिनेमा घर में अपना रंग जमाया। किसी ने खुद को ब्लॉकबस्टर कतार में शामिल किया तो कोई केवल साधारण फिल्म की कैटेगरी में सहम कर रह गया। पिछले दिनों की फिल्मों पर गौर किया जाए तो रणवीर सिंह की सिम्भा, अजय देवगन की मल्टी स्टारर फिल्म टोटल धमाल, अक्षय कुमार और रजनीकांत स्टारर 2.0, सलमान खान, बॉबी देओल, अनिल कपूर की रेस 3 और विकी कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने दर्शकों के बीच काफी शोर मचाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी ने मिलकर टीवी पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? जी हाँ, इस प्ले लिस्ट में अजय देवगन ने टॉप किया है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि किस फिल्म ने कितने जो दर्शक हैं वो बटोरे हैं। उससे पहले आप चैनल टेक मस्ती को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही ऐसी खबरों के लिए आप बेल आइकॉन को भी दबा ले। टोटल धमाल अजय देवगन, माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की कॉमेडी से लतकत फिल्म थी। टोटल धमाल को टीवी पर नंबर 1 की जगह मिली है। इस फिल्म को 1.67 करोड़ का टीवी इंप्रेशन मिला है। 2.0 एक ऐसी फिल्म है जिसका सभी को इंतजार रहा। रजनीकांत और अक्षय कुमार की इस फिल्म ने सिनेमाघर में करोड़ों की कमाई की, साथ ही टीवी पर इसे 1.65 करोड़ का इंप्रेशन मिला है। रणवीर सिंह और सारा अली खान की कॉप ड्रामा सिम्भा ने टीवी पर नंबर 3 की जगह ले ली है। इस फिल्म ने टीवी पर 1.11 करोड़ का इंप्रेशन दर्ज कराया है। अगर रेस 3 की बात करें तो सलमान खान, अनिल कपूर और बॉबी देओल स्टार और रेस 3 ने भले ही सिनेमाघर में खुद को फ्लॉप में बैठा दिया हो, लेकिन टीवी पर इसे दर्शकों का प्यार मिला है। फिल्म को टीवी पर 70 लाख का इंप्रेशन मिला है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, विकी कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक इस साल की सबसे लोकप्रिय फिल्म रही। टीवी पर इसे केवल 61 लाख का इंप्रेशन मिला है, जो कि बाकी की फिल्मों के मुकाबले काफी कम है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो उरी ने सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस फिल्म ने 245 करोड़ की कमाई की। सिम्भा की कमाई इसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में नंबर 2 पे है। इस फिल्म ने 240 करोड़ की कमाई की है। तीसरे नंबर पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में नंबर 3 पर अक्षय कुमार और रजनीकांत की 2.0 है। इस फिल्म ने 189 करोड़ की कमाई की है। रेस 3 ने 166 करोड़ और टोटल धमाल ने कुल 150 करोड़ की करीब कमाई की। यह तो थी कुछ बड़ी फिल्मों की रिपोर्ट कार्ड, और हमने आपको कार्ड के अनुसार बताया कि किस फिल्म का कितना दबदबा रहा बॉक्स ऑफिस पर। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने ये सारी मूवीज देखी है तो आपका इन मूवीज को लेकर कैसा इंप्रेशन रहा, यह भी हमें जरूर लिख भेजें। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल टेक मस्ती को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें चैनल टेक मस्ती, हिट द बेल बटन एंड गेट द नोटिफिकेशन।